यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं बरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह है कि कंगालों को कुछ दे। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा बरन तुरंत करेगा। हे बालको,
मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझ से सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा।